तो दोस्तों देखिए, इन पहाड़ों के बीचों बीच हम कर रहे हैं मैगी एंजॉय और बीस। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आजकल काम में इतना बिजी है कि आज मतलब कि बाहर जाने का भी टाइम नहीं लग रहा, तो व्लॉग बनाने का भी टाइम नहीं लग रहा। तो आज जाके फ्री हो गए, जो ये जो मैंने पीछे मैटिंग करवाई थी, ये अब जाके कहीं जाके हम फ्री हो गए, तो इसकी वजह से हम ना व्लॉग बना पा रहे थे, इतना ज़्यादा बिजी थे। दोस्तों ऐसे भी शॉप पे रहते तो कहीं जाने का टाइम लगता है ही नहीं, तो फिलहाल टाइम निकालने से ही मिलता है। तो दोस्तों आज है संडे, तो जैसे कि आप जानते हो संडे इज इक्वल टू फंडे, तो आज हम जाएंगे कोई बाहर, कुछ आउटडोर पार्टी करेंगे। तो बड़ा मन कर रहा था कि काफ़ी दिनों से हम कहीं बाहर नहीं गए, तो बाहर का व्लॉग नहीं डाला। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे, तो मैंने अपने भाई वगैरह को फ़ोन किया हुआ कि वो भी मेरे साथ चले। तो दोस्तों अब जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ आ रही हैं, तो जब सर्दी आएगी तो फिर हम पहाड़ों की तरफ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहेगी और पहाड़ बर्फ़ से बिल्कुल ढके रहेंगे, तो हम उस साइड तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ जाएगी, जब ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी तो फिर हम कहीं नहीं जा सकते, फिर बस यही यहाँ पर घर में ही रहेंगे, घर में और घर से सीधा शॉप, तो यही फिर रहेगा डेली का। तो अभी आज हम जाएंगे घूमने, तो ये हमारा आज का जो लास्ट आउटडोर पिकनिक रहने वाली है। तो फिर देखते हैं, अगर बीच में कभी प्लान बन गया तो फिर जाएंगे, तो अभी फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, तो करते हैं कोई कुछ बनाने का प्लान, अगर बाहर कुछ बनाने का प्लान करेंगे, देखते हैं क्या बनाते हैं हम बाहर। फ़िलहाल तो हम कोई ऐसा कुछ बनाएंगे जो जल्दी बन जाए, मैगी वगैरह बनाएंगे। तो दोस्तों खाते हैं मैगी वहाँ पर, तो दोस्तों हम भी फील लेते हैं कि पहाड़ों के बीच में मैगी खाने का क्या मज़ा आता है, तो चलिए आज हम भी टेस्ट करते हैं। तो चलिए निकलते हैं हम यहाँ से, तो जैकेट वगैरह लगाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादा ठंड रहने वाली है। तो यहाँ पे तो शॉप पे तो अभी तो फ़िलहाल ज़्यादा गर्मी हो रखी है, क्योंकि शटर वगैरह थोड़ा मैंने डाउन कर रखा है, इसकी वजह से गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो फ़िलहाल निकलते हैं यहाँ से, तो चलते हैं नीचे घर में, जैकेट वगैरह लगाते हैं, तो फिर उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से फुल पावर। तो दोस्तों निकल गए हम यहाँ से, तो यहाँ पे सामने एग्जीबिशन लगा हुआ है, देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं टाइम लैप्स लगा देता हूँ, तो आप टाइम लैप्स को एंजॉय करो, तो मिलते हैं हम सीधा जाके आपको डायरेक्ट लोकेशन पे। तो फिलहाल हम रास्ते में रुक के मैगी वगैरह लेंगे, तो उसके बाद निकलेंगे, तो फिर तब तक आप कीजिए टाइम लैप्स को एंजॉय। तो यहाँ से लेंगे हम मैगी वगैरह। तो दोस्तों ये सामान वगैरह हमने ले लिया है, मैगी वगैरह, मैगी चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह हमने ले लिए है, तो अब चलिए तब कीजिए आप। तो दोस्तों यहाँ से हम भर रहे हैं पानी, तो हमें पानी की गैलन भी साथ में लाई हुई है, तो यहाँ से हम पानी भरेंगे। तो दोस्तों ये बिल्कुल एकदम फ्रेश पानी है, जो कि कैलाश से आ रहा है। तो दोस्तों ये पानी कैलाश से आ रहा है, एकदम फ्रेश पानी है, तो अगर इसको हाथ लगाएंगे तो इतना ज़्यादा ठंडा होगा, बिल्कुल ग्लेशियर से आता हुआ पानी है। तो ये देख सकते हो यह पानी कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल उन पहाड़ों से जो आप देख रहे हो सामने। तो यहाँ पे इनने पानी गाय वगैरह के लिए, जो पशु वगैरह उनके लिए रखा है, यहाँ पर ये पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों ये जो रोड, जिस रोड पे अभी हम आए हुए हैं, तो दोस्तों ये रोड यहाँ से मिलती है, ये कनेक्ट करती है यहाँ से बनी कठुआ और क्या बोलते हैं लखनपुर, ये रोड कनेक्ट करती है लखनपुर पठानकोट हाईवे को, ये कनेक्ट करती है। तो यहाँ से आने वाले टाइम में बिल्कुल ये हाईवे बन जाएगा और गाड़ियों का यहाँ पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा लगा रहेगा। दोस्तों अभी करते हैं बनाने का प्रोसीजर शुरू, तो पत्थर वगैरह ढूंढते हैं, जो भी हमने जिसके ऊपर हमने पतीला वगैरह रखना है तो वो ढूंढते हैं, तो फिर थोड़ी लकड़ी भी ढूंढेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू, तो चलिए देखिए आप करिए वीडियो को एंजॉय। तो दोस्तों ये लोकेशन हमने चूज की है, ये देखिए यहाँ पे हम बिल्कुल रोड साइड बैठे, क्योंकि
धूप वगैरह तो कहीं है नहीं, तो यहाँ पे भी धूप थी तो इस टाइम वो भी चली गई है, लेकिन ठीक है, ना ज़्यादा ठंड है और ना ज़्यादा, मतलब कि ज़्यादा ठंड नहीं है यहाँ पे, तो गर्मी क्या होगी क्योंकि सर्दियों का टाइम है। तो ये है छतरगला यहाँ से 25 किलोमीटर है, तो अभी लोग यहाँ से आ रहे हैं, तो बाकी आप व्यू देख सकते हो, यहाँ से तगड़ा वाला व्यू आ रहा है। और यहाँ पे आग जलाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये रहा हमारा पतीला जो कि अक्सर पार्टियों के लिए यूज होता है, तो तभी इसकी हालत ऐसी है। तो दोस्तों हमारे भदरों में यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं है, तो रास्ते में हमने पानी तो भरा था। यहाँ पे एक और हमें जो चश्मा है वो भी दिखा है, तो देखें यहाँ पे पानी की, आपको अगर आप कभी यहाँ पे घूमने वगैरह आते हो, यहाँ पे पानी की कमी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको हर जगह पानी देखने को मिलेगा, वो भी फ्रेश पानी, ये नहीं कि किसी नाली से आ रहा है, तो ये बिल्कुल अंडरग्राउंड आ रहा है और पहाड़ों के बीचों बीच आ रहा है। तो ये देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे, यहाँ से पानी आ रहा है, ये बिल्कुल मतलब कि 200 फ्रेश पानी है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो काफ़ी ज़्यादा चिल्ड पानी है, ये बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच होता आ रहा है। तो दोस्तों अभी चलते हैं, फिलहाल बनाने का प्रोसीजर शुरू करते हैं, तो दिखाते हैं हम आपको। तो दोस्तों यहाँ पे डल रही है हमारी मैगी, ये देखिए, तो बिल्कुल पहाड़ों के बीचों बीच हम मैगी का एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए दोस्तों, ये गाड़ी यहाँ से शायद बनी की ओर जा रही है, तो और कुछ लोग यहाँ से ऊपर से घूम के आ रहे हैं छतरगला वगैरह से। तो दोस्तों आज संडे है, तो आज लोग थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं, तो ये देखिए, तो अब आप सिनेमैटिक शॉट इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों जब तक बनती है मैगी, तब तक करते हैं हम इसको एंजॉय, तो उसके बाद मैगी वगैरह खाते हैं, तो थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, तो घर भी जाके क्या करेंगे, आज संडे तो थोड़ा लेट ही जाएंगे, तो तब तक यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो ये हमारी शायद इस साल की जो लास्ट आउटडोर पिकनिक है वो रहने वाली है, पिकनिक क्या है, तो हम छोटी सी एक पार्टी कर रहे हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट मैगी पक के रेडी है, तो हमने इसके अंदर कुछ नहीं डाला, ना प्याज वगैरह कुछ नहीं डाला, तो जैसे सिंपल है तो वैसे ही बनाई हमने, मैगी पानी और इसका मसाला डाला हुआ है। तो ये देखिए, तो साथ में हम कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारी मैगी बनके रेडी है, तो अब जैसी बनी थी तो वैसे ही खाएंगे, ये देखिए सूखी सूखी। तो अब हम करते हैं इसे, डालते हैं प्लेट वगैरह में। तो दोस्तों देखिए, इन पहाड़ों के बीचों बीच हम कर रहे हैं मैगी एंजॉय, और बीच सड़क है, ये देख सकते हो आप, बिल्कुल रोड के साथ में ही मैगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैगी वगैरह हमने खा ली है, अब थोड़ी देर यहाँ पे आग सेकते हैं और आग को एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड भी हो रखी है, तो आग सेकने का यहीं पे मज़ा है। तो दोस्तों ये मैगी खा के हमने प्लेटें यहाँ पे बिल्कुल जला दी हैं, ताकि यहाँ पे बिल्कुल गंद ना रहे, तो अगर हम सफाई रखेंगे तो दूसरे लोग भी देख के यहाँ पे सफाई रखेंगे। बाकी एरिया तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमें कोई गंदगी नज़र वगैरह नहीं आ रही है। तो दोस्तों करते हैं अब घर निकलने की तैयारी, तो अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो हम बिल्कुल पहाड़ के पास में, तो यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा रहती है रात में। तो दोस्तों यकीन नहीं करोगे, लोगों ने यहाँ पे रज़ाइयाँ रखने भी काफ़ी टाइम से शुरू कर दी हैं, मतलब कि यही अक्टूबर की स्टार्टिंग से लोगों ने यहाँ पर रज़ाइयाँ रखनी शुरू कर दी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे, तो यहाँ पर बिल्कुल पहाड़ के पास में, तो यहाँ पर तगड़ी ज़्यादा ठंड रहती है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ठंड रहती है। तो अब निकलते हैं यहाँ से, तो दोस्तों आप करते हैं निकलने की तैयारी, तो अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और ठंड भी यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल माउंटेन्स के पास में ही है, तो ठंड भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड, होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करना, तो चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब।